那我爹。नेक्स्ट डे मैं कल ब्लॉगिंग कर ही नहीं पाई कंटिन्यू। मैं जब आ गई थी उसके बाद में मैंने खाना वाना खाया, उसके बाद में थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर रही थी। कि बैकग्राउंड बहुत अच्छा आने वाला है। ये हमारे यहाँ का नेक्स्ट डोर है, यहाँ पे किराएदार रहते हैं रेंट से। तो हाँ, मैं कह रही थी मैंने दोपहर में खाना वाना खाया, उसके बाद में मैं रेस्ट कर रही थी, थक गई थी ट्रैवलिंग से। तो फिर उसके बाद डायरेक्ट मैं इवनिंग में उठी हूँ। इवनिंग में उठ के फिर मार्केट जाना था, मार्केट से कुछ सब्जियाँ वगैरह लानी थी, वो लाई। उसके बाद में हमारे यहाँ साइड में बर्थडे था, उसके लिए फिर से गई मैं गिफ्ट लाने। फिर गिफ्ट लाया, बर्थडे में गए, ऐसे वैसे करते करते फिर डिनर किया, सो गई। फिर मैंने सोचा कि कल ब्लॉगिंग ही नहीं करते हैं, थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं,
इस वजह से की नहीं हूँ। तो फिर अभी मैं आज बहुत लेट उठी हूँ, 10 बजे सो के उठी हूँ, अभी बज रहे हैं 11। और उसके बाद हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया है। ब्रेकफास्ट में मेरे मॉम ने मैदे का मीठा पराठा बनाया था वो खाया है। उसके बाद में मेरी बेटी पढ़ाई कर रही है, तो अभी सोच रही हूँ मैं थोड़े बहुत कुछ हेल्प कर दूँ उनको। तो ये यहाँ पे है, तो ये पढ़ाई कर रही है, अब तक हम थोड़े बहुत काम कर लेंगे, उसके बाद में देखते हैं क्या करना है। फिनिश हो चुके हैं, मैंने कपड़े वॉश किए, मॉम कपड़े सुखा रहे हैं वहाँ पे। तो अभी मैं जाऊंगी शार लेने, तो सोच रही हूँ इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर दूँ। बस ऐसे ही था, एक छोटा सा ब्लॉग, कुछ बड़ा कुछ ज्यादा अच्छा बना नहीं पाई मैं, बट एक छोटा सा ब्लॉग था। होप कि आप लोगों का अच्छा लगा होगा। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अगर हो सका तो आफ्टरनून या इवनिंग से मैं नेक्स्ट ब्लॉग बनाने के लिए कोशिश करूंगी। और अगर आप लोगों का अच्छा लगा है तो आप लोगों को पता है क्या करना है, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा ब्लॉग कैसा लगा है, और क्या आप लोग भी अपने मम्मी के गांव गए हैं। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।